दोस्तों आज है 2 जून, तो चलिए देखते हैं 2 जून के करंट अफेयर्स। और कहा जाता है कि इरादे मजबूत हो तो क्या नहीं किया जा सकता, और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ा जा सकता है। जी हाँ, जियांग हूँ जो कि एक ब्लाइंड हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है और बन गए हैं एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। तो नो डाउट द बेस्ट व्यू कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होमवर्क जो मैंने आपको दिया था कि पीएम केयर्स चाइल्ड रिलीफ स्कीम के अंतर्गत 23 ईयर्स टर्न होने तक कितने पैसे सरकार देगी। तो सरकार देगी, जी हाँ, गवर्नमेंट देने वाली है 10 लाख रुपीस, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इंडियाज बिगेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टेच्यू इज एट, इंडिया का सबसे बड़ा लेटे हुए बुद्धा का स्टैचू कहाँ है। तो ये बनाया जा रहा है बोध गया बिहार में। जी हाँ, बोध गया बिहार में कोलकाता की एक टीम है, बोध गया वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत बोध गया में बनाया जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा डिक्लाइनिंग स्टैचू, यानी कि लेटे हुए बुद्धा का स्टैचू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। अभी हाल में आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस, और उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया है शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक का। आरबीआई ने ये लाइसेंस क्यों कैंसिल किया है? अभी हाल में आरबीआई ने बहुत सारे लाइसेंस कैंसिल किए हैं, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इसके पास प्रॉपर फंड नहीं है। इसको हेल्प चाहिए था आरबीआई से, और आरबीआई ने इसके काम क्रिया को देखा और बोला कि नहीं, ये बैंक लायक नहीं है फंड देने के, और इसीलिए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। शिवाजी राव कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अभी हाल में 2-3 बैंक जो कि कोऑपरेटिव बैंक है उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं, जैसे भाग योद्धाया महाराष्ट्र में है, फिर आपका शिवम सहकारी बैंक जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के भी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की इंडस्ट्री को देखता है। तो इसके न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के सीईओ है। जी हाँ, टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक्चुअली पोजीशन लिए हैं उदय कोटक के। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब रिलीज की गई है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब लिखा गया है रवि शास्त्री, जो कि इंडिया के कोच हैं। देखिए, इंडिया के बहुत ही फेमस कोच रवि शास्त्री द्वारा ये किताब लिखा गया है, तो नाम इम्पॉर्टेंट है, स्टार गेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस कंट्री ने इस्लाम मैप रिलीज किया है? जी हाँ, इस्लाम रिलीजन का मैप, तो ये रिलीज किया गया है ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। वहाँ पे ऑस्ट्रिया ने रिलीज़ किया है इस्लाम मैप, जिसके अंतर्गत मॉस्क यानी मस्जिद और बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप के बारे में उस मैप के थ्रू आप जान सकोगे। ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया सुजैन रब के द्वारा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। आईबीएम ने अभी हाल में इंट्रोड्यूस किया है क्वांटम कंप्यूटिंग कोर्स इन, तो कौन से आईआईटी में इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है आईआईटी मद्रास में। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर में 1 और 0 होता है, ठीक है, जो कि बाइनरी डिजिट को फॉलो करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट को फॉलो करता है। क्वांटम बिट क्या होता है? 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट हैं, ठीक है, तो वो है क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट हमेशा डिटेल की बात करता है, वो 3D की बात करता है।
क्वांटम स्टेट हमेशा 3D की बात करता है, तो क्वांटम स्टेट हमेशा 3D की बात करता है और क्लासिकल स्टेट हमेशा 2D की बात करता है, यानी 2 डायमेंशन, और क्वांटम स्टेट 3D यानी 3 डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2022 विल बी हेल्ड एट, विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ होने वाला है? तो 2022 विंटर ओलंपिक्स होने वाला है चाइना में। अभी हाल में समर ओलंपिक्स हो रहा है 2021 में, कहाँ पे? टोक्यो जापान में। देखिए, समर ओलंपिक्स होने वाला था 2020 में, लेकिन कुछ कारणों से, जो कि COVID-19 ही है, 2021 में हो रहा है। 2021 में समर ओलंपिक्स हो रहा है। विंटर ओलंपिक्स हमेशा 2 साल पे होता है, तो 2020 में डिक्लेयर था, इसलिए 2022 में होगा, बेंजिंग चाइना में। कंडीशन पे निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फर्स्ट क्रिप्टो मार्केट यानी NFT मार्केट लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया की वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट कंपनी के द्वारा। कौन है कंपनी? वजीर एक्स। वजीर एक्स लॉन्च कर रहा है NFT यानी नॉन फिजिबल मार्केट, जिसके अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NFT मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सवाल। थ्री चाइल्ड पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन, किस कंट्री ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और ईमेल ID पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।